जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय और सांसद की मौजूदगी में खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक हुई। इसमें मंत्री ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषण भोजन और अनाज वितरण से लेकर पौष मशीन के संचालन से संबंधित समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही मंत्री ने कोल्हान प्रमंडल में अनाज वितरण प्रणाली दुरुस्त करने के लिए योजनाओं की समीक्षा भी की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है, जिसका लोग लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक 8,000 शिकायतें आई हैं, जिनको निपटाया गया है। देखिए, हमने सतर्कता समितियां बनाया विभाग की तरफ से कि नीचे कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसकी शिकायत दो, जिला में शिकायत निवारण पदाधिकारी को कर दे, उनका इतना ही काम है। अब दुकान के स्तर पर भी सतर्कता समिति बनानी है, एक दुकान के क्षेत्र में जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को मिला के एक समिति बनेगी। तो ये समितियाँ कागज पर बनती नहीं हैं, हम चाहते हैं कि फील्ड में काम करें। और हमने एक शिकायत निवारण प्रणाली बनाया है जिसके बारे में बताया अभी, तो हम चाहते हैं उस पर वो शिकायत करें। उसका नंबर भी यहाँ दिया गया है, सबको पैम्पलेट भी दे दिया है, आपको टोल फ्री है, आपको पैसा नहीं लगेगा, आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रदेश में लोगों को खाद्य की आपूर्ति सही से हो, इसके लिए सरकार काफी सजग है और इसके लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री हर जिले में अधिकारियों से बैठक कर लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।